टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर 26 जुलाई को भाजपा किसान मोर्चा द्वारा प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन। देश में अब तक लगे 42.5 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके। टीकाकरण के मामले में राजधानी रायपुर दिल्ली सहित कई महानगरों से आगे। और दुर्ग जिले में कोरोना काल में छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सुचारू बना रहा है अंगनामा शिक्षा अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक के रंगारंग उद्घाटन के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। आज भारत को वेटलिफ्टिंग में पहली सफलता रजत पदक के रूप में प्राप्त हुई। भारत की मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर देश को पहला रजत पदक दिलाया। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक चीन की झीवी हाऊ और कांस्य पदक इंडोनेशिया की कांतिका आयसाह ने जीता है। जरूर कुछ कर दिखाएंगी और उन्होंने पूर्णतः निराश नहीं किया दर्शकों को, भारतीय जनता को, और ये स्वर्णिम सफलताएं दिलाई भारत को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मीराबाई चानू को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की बेहतर शुरुआत है। उधर टेनिस में भारत के सुमित नागपाल पुरुषों के सिंगल्स में अगले दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने डेनिस स्टोमिन को 6-4, 6-7, 6-4 से हरा दिया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल टोक्यो ओलंपिक 2020 का व्यापक प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथ ही डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल हर दिन ओलंपिक से संबंधित विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित कर रहे हैं। डीडी स्पोर्ट्स पर हर दिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक ओलंपिक के विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। कोरोना के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पूरे देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 42.5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में संक्रमण मुक्त होने की दर अब 97.35% हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं, जबकि 39,000 से ज्यादा में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं और इस समय 4,08,000 से ज्यादा संक्रमितों का उपचार चल रहा है। लगभग 4,20,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 646 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में परीक्षण क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। अब तक लगभग 45.5 करोड़ से ज्यादा नमूनों का परीक्षण हो चुका है। राज्य की बात करें तो प्रदेश में अब तक 1,15,73,458 टीके लगाए गए हैं, जिनमें लगभग 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका और 21.5 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन के मामले में राजधानी रायपुर देश की राजधानी दिल्ली सहित कई महानगरों से आगे है। रायपुर में अब तक 66.40% लोगों ने टीके की पहली खुराक और लगभग 20% लोगों ने टीके की दोनों खुराकें लगा ली हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। लोग कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा के लिए खुद बढ़ चढ़ कर टीके लगवा रहे हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं।
राजनांदगांव जिले में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। जगह जगह टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि 11.5 लाख लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7.5 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस अभियान में शामिल होकर टीके लगवाने का आह्वान किया है। हाँ, राजनांदगांव जिले में 11.5 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अभी तक 7,60,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है प्रथम और द्वितीय मिला के, और जो फर्स्ट डोज लगा है वो है हमारे यहाँ जिले में 6,50,000। तो 56% लोगों को हमने प्रथम डोज लगा चुके हैं और निरंतर टीकाकरण का कार्य चल रहा है सेंटरों में, और लोग जागरूक हो गए हैं और लगातार टीकाकरण कैंप में पहुँच कर अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे लोगों ने बताया कि कोरोना टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कोरोना का दूसरा टीका लगवाया है। कोरोना का पहला टीका लगाने जब मैं आया था तो मन में डर था कि वैक्सीन के बाद में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इसे सभी लोगों को लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में आप सीधा शासन से बात करें और ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। आज मैं टीका लगाई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और जितने भी राजनांदगांव के वासी हैं उनको भी लगाना चाहिए, बहुत अच्छा है अपने सुरक्षा के लिए। राज्य में टीकाकरण के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस बीच कल पूरे राज्य में लगभग 30,500 टेस्ट हुए। जिलेवार स्थिति का आंकलन करने पर बेमेतरा, कबीरधाम, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, कोरिया, बलरामपुर और नारायणपुर में कल कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। सबसे ज्यादा 17 मरीज बस्तर में मिले। कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही राज्य में आर्थिक और दूसरी गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन हम सबको ये याद रखना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा किसान मोर्चा 26 जुलाई को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों को जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि आज किसान खेती किसानी के महत्वपूर्ण समय में हो रही खाद की कमी से बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर खाद की कालाबाजारी भी हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछले 20 सालों में पहली बार इतनी भयावह स्थिति पैदा हुई है कि किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको खाद के लिए सहकारी सोसाइटियों से सरकार के स्तर पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, निजी संस्थानों से महंगे दर पर उनको खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो किसानों को बीज मिल रहे हैं वो बीज भी नकली बीज, अमानक बीज उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके कारण किसानों का जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार से प्रदेशव्यापी खाद की कमी के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में बताना चाहिए कि उन्होंने केंद्र सरकार से कितनी खाद की मांग की थी और केंद्र सरकार ने कितनी खाद राज्य को दी है। हम लंबे समय से हम कह रहे हैं कि जरा राज्य सरकार को इस बात की जानकारी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि केंद्र की सरकार को उन्होंने क्या प्रोग्राम भेजा था कि कब कब कितनी कितनी खाद चाहिए और केंद्र सरकार ने कितनी कितनी खाद की आपूर्ति की। इस प्रदेशव्यापी धरने का कई भाजपा विधायकों ने समर्थन किया है। कोरोना काल में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दुर्ग के जिला शिक्षा विभाग ने 5 से 8 वर्ष आयु के छोटे बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। दुर्ग जिले में कुछ महिला शिक्षिकाओं ने यह महसूस किया कि इस कोरोना काल में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। बच्चे पढ़ाई में पिछड़ ना जाएं, इसलिए इन महिला शिक्षिकाओं ने बच्चों की माताओं और दूसरे परिवारजनों के साथ मिलकर अंगनामय शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की।
ये कार्यक्रम पूर्णतः स्वप्रेरित महिला शिक्षिकाओं का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के संबंध में समग्र शिक्षा दुर्ग के जिला मिशन समन्वयक सुरेंद्र पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास और स्कूल में जाने से पहले बच्चों की तैयारी आनंदमय माहौल में कराना है। राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है अंगना में शिक्षा, जो कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत माताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। राज्य के निर्देशों के अनुरूप विगत वर्षों से यह कार्यक्रम दुर्ग जिले में बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। विगत वर्ष हमने एक वर्कशॉप करके करीब करीब 75 माताओं का उन्मुखीकरण किया था और उन्होंने जाकर अपने अपने स्कूल क्षेत्रों में अपने अपने गाँव में बेहतर तरीके से अन्य माताओं को तैयार किया था। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बेहतर तरीके से संचालित हो गया है, जिसके अंतर्गत सिकोला बस्ती दुर्ग और ग्राम सिलोदा में 2 वर्कशॉप हमारे आयोजित हो गए हैं, जिसके माध्यम से माताओं का उन्मुखीकरण लगातार जारी है। अंगना में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड प्रोटोकॉल में जैसे कि विद्यालय पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, तो हम माताओं को सिखाएं और माताएं अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है और माता प्रथम गुरु। इस कार्यक्रम में स्वप्रेरित शिक्षिकाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि अंगनामय शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों की माताओं की भूमिका अहम होती है। इस संबंध में शिक्षिकाओं ने जानकारी दी। बच्चे घर में ही घर की वस्तुओं से सीख रहे हैं, पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना जो भी है। पहले क्या है, हम पुस्तकी ज्ञान बच्चों को देते थे पुस्तकों के माध्यम से, बट अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है तो उसमें हम बच्चों को स्कूल तो बुला नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण घर में ही बच्चे गतिविधि के माध्यम से ये सीखे करके ये कार्यक्रम चलाया जाता। इस कार्यक्रम से बच्चों की माताएं भी काफी खुश हैं, क्योंकि अब बच्चों की मुख्य प्रारंभिक शिक्षा पर कोरोना का असर नहीं पड़ेगा और बच्चे स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बहुत कुछ सीखे बार जाने पर मिला थे, एक माध्यम से हमने अपन बच्चा मतलब शिक्षा दे सकते हैं। काबर की आज के कोरोना माहौल में ये सब चीज घर में का ही बच्चा मतलब पढ़ाई के माहौल दे सकता है ना, स्कूल में तो उतना पढ़ाई नहीं चला थे। एक माध्यम से हमने अंगना में शिक्षा के माध्यम से आज हम अपन बच्चा ला शिक्षा दे सकते हैं, जैसे कि खेल खेल में ही बहुत कुछ सिखा सकते हैं अपन बच्चा ला। यहाँ पर मतलब हम अभी कोरोना काल के तहत अभी बच्चा मतलब स्कूल नहीं भेज पाथन, तो घर में ही शिक्षा देवत हन, तो यहाँ घर में काम करत करत ही हम ज़्यादा समय नहीं मिले घर के हन, तो बच्चा मतलब घर में ही पढ़ावा था, कुछ पोस्ट वगैरह दिखा के, सब्जी वगैरह फल वल दिखा के, या पत्थर वत्थर कुछ भी पत्थर कंकड़ पत्थर से गिनती सिखावा था। इस कार्यक्रम में शुरू से ही महिला शिक्षिकाओं द्वारा मोबाइल के माध्यम से बच्चों की माताओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें सीखने सिखाने वाले वीडियो और दूसरी पठन पाठन सामग्रियां भेजी जा सकें, जिससे अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाए तो छोटे बच्चे घर पर रहकर अपनी माताओं से सीख सकें। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रही भारतीय टीम के उत्साह वर्धन के लिए पूरे देश में अलग अलग संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में SECL के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने भी चीयर्स फॉर इंडिया संदेश के जरिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का एक प्रयास किया है। कंपनी मुख्यालय परिसर सहित आवासीय कॉलोनियों में भी अलग अलग जगहों पर ओलंपिक कटआउट सजा कर रखे गए हैं, जिनके जरिए कर्मचारी और उनके परिजन अपनी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर #iCheersForIndia के साथ संदेश भी भेज रहे हैं। इसी तरह दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों से लोहा ले रही दंतेश्वरी महिला फाइटर कमांडो की टीम ने भी ओलंपिक खेल में प्रतिनिधित्व कर रहे देश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। अपने संदेश में इन कमांडो ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे 127 खिलाड़ियों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये खिलाड़ी इस बार उन खेलों में भी पदक जीत कर लाएंगे जिसमें भारत ने कभी पदक नहीं जीता। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के खिलाड़ी इस टोक्यो ओलंपिक में पूरे विश्व को अपना दम दिखाएंगे और जीत कर आएंगे। टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत देश के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अमन के साथ इस बार हमारे खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत कर लाएंगे। दंतेश्वरी फाइटर्स कमांडो बस्तर में देश विरोधी माओवादियों को अपना दम दिखा रहे हैं। हमारे देश के खिलाड़ी भी पूरे विश्व को दम दिखाएं और जीत कर आए हैं, जो करने करके दिखाएंगे। जीत की बाजी खेल का अपना तिरंगा लहराएंगे।
उल्लेखनीय है कि जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू हुआ खेलों का महाकुंभ 8 अगस्त तक चलेगा। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।